हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखाऊंगी, जो हम लोग सुई धागे से बनाएंगे। हाँ, सुई धागे से। चलिए देखते हैं कैसे बनता है सुई धागे से ग्रीटिंग कार्ड। तो दोस्तों, इसके लिए चाहिए कोई भी कार्ड। मैंने ये पीछे से इस तरह का कार्ड है मेरे पास, अगेन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो फेंकने वाला कागज़ था उसके पीछे का मैंने पार्ट ले लिया है। मैंने अच्छे से, अच्छा दिख रहा है इसलिए ऐसा साइज़ उसकी ले ली है। आप कोई भी साइज़ ले सकते हो। फिर उसके ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है जो आप करना चाहते हो। तो मैं उसके ऊपर एक दिया ड्रॉ कर रही हूँ, अभी दिवाली है तो वैसा कार्ड दिखाऊंगी। वैसे कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं आप, हट है, घर है, या बोट है, सर्कल है, स्क्वायर है, इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि स्केच पेन हो, कोई भी पेन हो। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे स्केच पेन यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने ये इसके ऊपर ये इमेज ड्रॉ कर ली है ये की। अब क्या करना है, ये जो आउटलाइन है इसके ऊपर मैं सुई से छोटे छोटे होल्स करूँगी। इसके लिए आपको सुई भी लेनी है, जीरो नंबर की, बहुत ज़्यादा बड़ी सुई नहीं लेनी है। अगर आपका ये जो शीट है, ये जो पेपर है, अगर वो हार्ड है, जैसे पुट्ठा जिसको बोलते हैं ना, नोटबुक के पीछे का पार्ट अगर आपने लिया हुआ है, कड़क है, तो आप थोड़ी सी बड़ी सुई ले सकते हो। इसमें धागा भी मैं पतला वाला यूज़ करने वाली हूँ, जो रेशम हो सकता है या कॉटन थ्रेड हो सकता है। अगर आपके पास जैसे हार्ड वाला शीट है तो उसके ऊपर आप वुलन थ्रेड से भी काम कर सकते हो, ठीक है, और बड़ी सुई से काम कर सकते हैं। अभी मैंने छोटी सुई जीरो नंबर की और ये छोटा सा सिल्क वाला या रेशम जिसको बोलते हैं, या इवन कॉटन का थ्रेड भी चलेगा। अब मैं इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन है उस आउटलाइन के ऊपर इस तरह से छोटी छोटी मार्किंग्स करूँगी, या होल्स भी करूँगी ऐसा कह सकते हैं। तो मैं उसको पियर्स करूँगी नीडल के पॉइंट से, सुई के पॉइंट से पियर्स करके छोटे छोटे होल बनाऊँगी। और ये होल्स जो है सही जगह पे करो तो अच्छा है, जैसे उस दो होल्स के बीच में सेम जगह होनी ज़रूरी है, तभी वो ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो अब पूरे आउटलाइन पे मैं करूँगी, जैसे एक एक दो दो मिलीमीटर का स्पेस छोड़ के आपको ये होल्स बना लेने हैं। अच्छे से बनाइएगा ताकि ये पेपर फटे नहीं, ठीक से बनाइएगा, वरना पेपर फट जाएगा तो उसका पूरा मज़ा पहले ही निकल जाएगा। ध्यान से करिएगा, ठीक है, इस तरह से आपको कर लेने हैं। तो दोस्तों, ये देखिए कार्ड, मैंने इसके ऊपर पहले आउटलाइन ड्रॉ कर ली थी और अभी उसमें होल्स कर लिए हैं। ये ऐसे दिखेगा पीछे से सारे होल्स बनने के बाद, ठीक है, आप फील कर सकते हो इस तरह होल्स इसमें आ गए हैं, ठीक है, पीछे से, और ये हमारा आगे से है। तो हम इस पार्ट को अभी इसके ऊपर सिलाई करेंगे और एक डिज़ाइन बन जाएगा। मैंने दो धागा ले लिया है, सुई में डाल दिया है धागे को और इस तरह से गांठ बांध दी है पीछे से, ठीक है। अगर आपका थ्रेड मोटा वाला है, जाडा वाला है, तो आप सिंगल थ्रेड यूज कर सकते हो, या फिर डबल, छोटा है तो, पतला है तो। तो अभी एक एक करके हमें इन होल्स में से इस धागे को निकालना है, ठीक है। मैं इस एंड से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से मैंने शुरू किया और मैं इसको दूसरे एंड में डालूंगी, अभी डायगोनली दूसरे एंड में, ऑपोजिट एंड में। तो इस तरह खाली डालते जाना है आपको, बस ये कवर होता जाएगा इस थ्रेड से। अभी मैं फिर से इसके बाजू वाले होल से इसमें डालूंगी, इस तरह से। मैंने आपको ये बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, उसको अच्छे से रखो वरना वो मुड़ जाएगा कार्ड, ठीक है, ज़रूरी है उतना ही खींचना है। फिर इसके ऑपोजिट इसमें डालना है, जैसे मैंने ये राइट साइड से शुरू किया तो अभी ये लाइन के लेफ्ट साइड में उसको मैं डालने वाली हूँ होल में, तुरंत एडजेसेंट होल में, ठीक है। इस तरह से मैं ये करती जाऊँगी। तो देखिए, अभी मैं फिर से इसको यहाँ से निकालूंगी,
और यहाँ डालूंगी आप इससे कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब क्रिस क्रॉस लेना है, इधर से राइट साइड में आगे बढ़ना है, इधर से लेफ्ट साइड में आगे बढ़ना है, ये डाउन साइड में, तो इस तरह ये डिजाइन बनता जाएगा। अब अगर मोटा थ्रेड भी लेना चाहते हो तो भी ये डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा, रेशम से या इवन वुलन थ्रेड से ये बहुत अच्छा लगता है डिजाइन। देखिए अपने आप इस पर डिजाइन बनते जा रहा है लाइंस का। इस तरह बच्चों को आप एंगेज रख सकते हैं वेकेशन में, नया नए टाइप के आइडियाज देके उनको कुछ ना कुछ डिफरेंट सिखाने से, तो इस तरह आप आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ तक करते करते मैंने किया, अब मेरा धागा छोटा हो गया है, अब मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती तो मैं पीछे उसकी गांठ बांध दूंगी। ठीक है, इस तरह से उसको पैक कर सकते हैं पीछे धागे में से ही निकाल के, इस तरह मैं उसको बांध के रखूंगी, फिर कट कर दूंगी, फिर दूसरा धागा लूंगी। देखिए दोस्तों ये नीचे वाला डिज़ाइन पूरा हो गया है, वैसे ही मैं ऊपर का भी शेप करूंगी। इसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है कि लेफ्ट साइड से अगर शुरू करो तो राइट साइड में डालना है ऊपर। ठीक है, इस तरह पूरा लेफ्ट साइड कवर करना है तो राइट साइड में हम डालते जाएंगे, ऊपर लेफ्ट साइड से ऊपर आएगा, राइट साइड में नीचे जाएगा, इसी तरह से पूरा कवर कर लेना है डिज़ाइन। देखिए दोस्तों ये पूरा हो गया है, ये इस तरह दिखेगा, ये दिए का डिज़ाइन है इसलिए इस तरह दिख रहा है, बाकी आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो, जैसे मैंने कहा कोई घर बना सकते हो, कोई ट्री बना सकते हो, बोट बना सकते हो इससे, ऐसे ही डिज़ाइन से कोई स्क्वायर सर्कल कोई भी डिज़ाइन लेके इस तरह आप बना सकते हो धागे से। जितना बड़ा ज़्यादा धागा होगा उतना अच्छा दिखेगा, क्योंकि पूरा भरा हुआ दिखेगा, है ना। तो वुलन थ्रेड से भी कर सकते हो, या रेशम या सिल्क थ्रेड अगर लेते हो, सैटिन का थ्रेड लेते हो तो उसमें भी तीन तीन थ्रेड्स एक साथ ले सकते हो, या छः थ्रेड्स एक साथ ले सकते हो आप सुई में। ठीक है, तो इस तरह ये डिज़ाइन हमारा दिखेगा, और इस तरह बहुत सारे कार्ड्स बना के आप हर इवेंट पे या हर फेस्टिवल पे कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, किसी को भी देने के लिए बर्थडे पे या किसी पे भी। तो इस तरह का ग्रीटिंग कार्ड हम लोग घर पे बना सकते हैं, वेकेशन में बच्चों का अच्छा वेकेशन का यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों बना के देखिए, बच्चों को सिखाइए, सिर्फ एक ध्यान रखिए कि आपको लाइन ड्रॉ करके इक्वल नंबर ऑफ होल्स होने चाहिए, जैसे लेफ्ट साइड में जितने होल्स है उतने ही राइट साइड में होल्स हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कम ज़्यादा हो भी जाए तो भी उसको एडजस्ट तो कर ही सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक जैसे एक जितने ही होल्स हो। फिर एक ध्यान रखना है कि ये सुई का काम है, इसलिए बच्चों के हाथ में देने से पहले आप उनको अच्छे से समझाइए कि सुई कैसे होल्ड करनी है। जैसे बड़े बच्चे हैं तो ठीक है, पर बहुत छोटे बच्चों के हाथ में तो सुई आप नहीं दे सकते, तो इस तरह आप अच्छे से उनको समझाइएगा। तो दोस्तों बना के देखिए इस तरह का ग्रीटिंग कार्ड सुई धागे से, मुझे लिंक दीजिए कमेंट बॉक्स में आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।